हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, आज एक हम लेयर और स्टेप हेयर कट देखने वाले हैं। तो इस हेयर कट में आपको बताऊंगा कि हेयर कट कैसे करते हैं। तो मैंने बालों को 6 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो पहले मैं जो हमारा बॉक्स सेक्शन है यानी जो क्राउन सेक्शन है उससे मैं एक गाइडलाइन क्रिएट करने वाला हूँ और फिंगर को ज़्यादा एलिवेट करने वाला। तो दोस्तों, मैं पहले बालों को आगे की तरफ ज़्यादा ले रहा हूँ। उसका ये रीज़न है कि मुझे उनकी लेंथ मेंटेन करते हुए मुझे ज़्यादा लेयर और स्टेप उनके बालों में देने हैं। तो उसके चलते मैं बालों को आगे की तरफ खींच रहा हूँ, फिंगर को एलिवेट कर रहा हूँ और बीच बीच में थोड़ी सी नॉचिंग कर रहा हूँ जिससे एक शार्प लुक मिले। उसके बाद मैं बालों को डिवाइड कर रहा हूँ दो सेक्शन में। उसके बाद मैं साइड से वर्टिकल सेक्शन लेके उसे ऊपर की तरफ लेके सेम जो मैंने पहले कट की हुई गाइडलाइन है उसके साथ मैं मर्ज करूँगा। दोस्तों, ये आपको भी करने में आसानी होगी, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट हेयर कट नहीं है। उसके बाद मैं छोटे छोटे वर्टिकल सेक्शन लेते हुए बालों को आगे की तरफ लाके कट कर रहा हूँ और फिंगर को एलिवेट कर रहा हूँ। एलिवेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे उनकी लेंथ मेंटेन करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लेयर देने हैं। तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे लेंथ रिड्यूस नहीं करनी है बट मेरे बालों में लेयर मुझे ज़्यादा चाहिए। तो दोस्तों, आप ये हेयर कट उन क्लाइंट के लिए कर सकते हो जिनके जिनको ज़्यादा लेयर्स चाहिए, ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए बालों में। और ये हेयर कट ज़्यादा ज़्यादा आपको कर्ली वेवी ऐसे हेयर पे जाएगा। ज़्यादा अगर पतले बाल है तो ये हेयर कट ना करें क्योंकि ज़्यादा पतले बालों पे करोगे तो बाल और थिन दिख सकते हैं। तो देखो, सेम मैंने गाइडलाइन लिया ऊपर, उसके साथ मैच किया साइड के बालों को। वर्टिकल सेक्शन देखो मैं कैसे ले रहा हूँ, छोटे छोटे सेक्शन लेके मैं ऊपर लेके बालों को कट कर रहा हूँ। बहुत इजी हेयर कट है, आप भी कर सकते हो। और आपको और भी कुछ नए हेयर कट सीखने हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि मुझे आपको कौन से हेयर कट सीखने हैं। आपके वजह से मैं वीडियो में अभी म्यूज़िक डालता नहीं हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि आप वॉइस से ही समझाते जाओ, इसलिए मैं हर एक वीडियो में अभी म्यूज़िक नहीं ऐड कर रहा हूँ। तो देखो, मैं ऊपर की तरफ सेक्शन लिया और उसको मैं बस मर्ज कर रहा हूँ। उसके बाद आपको फिर से एक बार चेक करना है और उसके बाद आपको सेंटर वाला जो पार्ट है हमारा सेक्शनिंग का सेंटर कर लिया। उसके बाद आपको जो सेंटर वाला पार्ट है मिड वाला उसकी क्लिप निकालनी है। उसमें से आपको अच्छे से कॉम करके लेना है, उसमें से आधा ही पार्ट आपको ऊपर लेना है क्योंकि अगर आपके हाथ में अगर पूरे बाल बैठते तो आप पूरे बाल भी ले सकते हो, बट अगर आपके हाथ में पूरे बाल नहीं बैठ रहे तो दोस्तों आपको बस आधा ही सेक्शन लेके उसे ऊपर की तरफ लेना है। तो दोस्तों, मैंने आगे से थोड़ी सी गाइडलाइन उसमें मर्ज कर दी, अच्छे से कॉम किया, उसके बाद में ऊपर की तरफ देखो गाइडलाइन दिख रहा है आपको उसका। देखो गाइडलाइन आपको दिखेगा अभी। देखो सेम वही टेक्निक वही आगे लेके मैंने किया क्योंकि मुझे लेंथ मेंटेन करना है और गाइडलाइन के साथ मैंने मर्ज कर दिया। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा एलिवेट होता है, आपको दिख रहा होगा मैं कितना एलिवेट कर रहा हूँ बालों को। तो बहुत ईजी हेयर कट है, बस थोड़ी टेक्निक समझने की ज़रूरत है इस हेयर कट में। तो अभी मैं सिमिलर और एक सेक्शन लूँगा ऊपर की तरफ और अच्छे से कॉम आउट करके उसे भी आगे की तरफ लूँगा। अभी मुझे इसको ज़्यादा आगे की तरफ लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे गाइडलाइन मिल गया है। तो बस थोड़ा ही पार्ट उसमें कट होगा, ज़्यादा बाल कट नहीं होंगे। देखो थोड़े ही बाल कट हो गए। तो मेन आपको ध्यान रखना है, फिंगर को एलिवेट करना है और उसे कट करना है। उसके बाद आपको थोड़े बहुत लेयर मिल जाएंगी, बीच बीच में आपको पता चल जाएगा कि लेयर आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद आपको साइड वाला सेक्शन भी सेम उसी एंगल में ला के ऊपर की तरफ कट कर देना है। दोस्तों सेम आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, सेम उसी पोर्शन में उसी स्टाइल में फिंगर को एलिवेट करते हुए आपको यह हेयर कट करना है। तो दोस्तों, ये हेयर कट के पहले मैंने बालों में वन लेंथ ऑलरेडी कर रखा था, उसके बाद बालों में मैंने फॉरवर्ड ग्रेजुएशन भी करके रखा था यानी फेदर हेयर कट किया था, उसके बाद मैं डायरेक्ट ये हेयर कट कर रहा हूँ। तो बहुत क्लाइंट को अगर ज़्यादा लेयर की या स्टेप की रिक्वायरमेंट हो तो आप ये हेयर कट उन्हें दे सकते हो।
तो अभी देखो मैं एंड वाला पार्ट भी ऊपर की तरफ लेके उसे कट करूँगा। तो जो बाकी का भी बाजू का सेक्शन है, तो आपको भी वो सेम तरीके से उसको करना है। तो इसी भी सेक्शन को मैं अभी ऊपर की तरफ ओवर डायरेक्ट करके फिंगर को एलिवेशन देके गाइडलाइन को देखते हुए कट करूँगा। तो दोस्तों गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको गाइडलाइन अगर नहीं मिल रही है तो दोस्तों फिर आपका हेयर कट गलत हो सकता है। तो प्लीज़ आपको ध्यान देना है कि आपकी गाइडलाइन ज़रूर आपको मिले और वही गाइडलाइन पर आपको कट करना है, जिससे कि आपके जो लेयरिंग है, जो भी आपके स्टेप है, वो एक लेवल में आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है हर वक्त, जब भी आप हेयर कट करते हो तब आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो लास्ट सेक्शन भी आपको ऊपर की तरफ लेना है, अच्छे से कॉम करना मत भूलिए। जितना अच्छा कॉम करोगे उतने छोटे छोटे बाल आपके कॉम में आएंगे और अच्छे से कट होंगे। तो गाइडलाइन देखा और इसे कट कर दिया। तो दोस्तों इसके बाद हमें करना है प्रॉपर ब्लो ड्राई इनके बालों के ऊपर, और ब्लो ड्राई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके हेयर पे। तो ब्लो ड्राई करते हैं, अभी तो वेट हेयर हैं तो ब्लो ड्राई स्टार्ट करते हैं। Thank you.
तो दोस्तों ब्लो ड्राई हो चुका है, मैं अभी उनके बालों पे देखो पैडल कर रहा हूँ, पैडल से जो भी कर्ल्स है उनको इकट्ठा एक अच्छे से ब्रश कर रहा हूँ, जिससे कि जो लेयर्स है वो प्रॉपर दिखे, मेरा ब्लो ड्राई एकदम फिनिशिंग में दिखे। तो आप भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो आपके ब्लो ड्राई में। तो दोनों तरफ से आपको ध्यान देना है, अच्छे से ब्रश करना है, क्योंकि जो कर्ल्स है वो एक जगह इकट्ठा आ जाएंगे और एकदम अच्छा लुक उनके बालों में मिल जाएगा। तो दोस्तों देखो कितना प्यारा लग रहा है, प्रॉपर लेयरिंग दिख रहा है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, अभी आप देख सकते हो कि उनके बालों में कैसा फॉल आएगा और कैसे लेयर्स आएंगे। तो दोस्तों ये देखो ये फाइनल रिजल्ट है, बहुत अच्छे लेयर्स आ रहे हैं, लेंथ मेंटेन हो रही है, अच्छे से प्रॉपर ऊपर से लेयर्स आ रहे हैं उनके बालों में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। तो ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा और बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत लोगों को लॉन्ग हेयर कट एक और एक देखना था, इसलिए मैंने लॉन्ग थोड़े से स्टेप ऐड करके एक हेयर कट क्रिएट किया और वो आपके सामने अभी ये दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो अगर सच में आपको अच्छा लगा या नहीं भी लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, आपको जो चारी चीज़ें सीखनी है उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट।